हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का लंच बॉक्स, सभी की फेवरेट रेसिपी होगी ये। आटा से और कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है और इसमें हमने 2 कटोरी आटा अच्छे से छान लिया था। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें पहले मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं। तो देखिए, इसे हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 आलू ले लिए, इसे हमने इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लिया, और 1 बारीक प्याज, 2 हरी मिर्ची और 1 लहसुन को बारीक चॉप करके डाला है। लहसुन ज़रूर डालें, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये गाजर को हमने बारीक चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, और 1/2 टीस्पून हमने काला नमक और सफ़ेद नमक लिया है खाने वाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अब हमने प्रोसेस चीज़ की स्लाइस डाल दी है, इसे बच्चों को बहुत पसंद आएगी, ये ऑप्शनल है। अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा चट करके आएंगे। ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आटे का हमने 1 से 2 मिनट हमने इस तरह से आटे को और गूंथ लिया। अब इसके लिए हम स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसकी हम अच्छे से स्लरी बना ली है। अब हम इसी सरफेस पे आटे की लोई लेके इस तरह से बेल लेंगे। इसे थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं, इसकी थिकनेस देख लीजिए। अब इस पे हमने जो बनाया था स्टफिंग, उसको अच्छे से फैला देंगे पूरे में। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। इस पे सूखा आटा लगा दिया जिससे ये चिपके नहीं। ऐसे पलट कर हम इसे अच्छे से सील कर देंगे जिससे हमारे किनारे खुले नहीं। अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से। ये नाश्ता बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है और ये सभी को पसंद आएगा। देखिए इस तरह से कितनी सारी लेयर बन गई है हमारे नाश्ते में। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। इसी तरह से हमने और भी बना लिए थे। इस स्लरी को हम इस तरह से पहले चला लेंगे और इसमें अच्छे से ये डिप कर लेंगे। तो हमने इसे पैन में डाल दिया है। इस तरह से ये बहुत ही क्रंची भी होंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट। इसी तरह से हम सब डाल देंगे अपने नाश्ते को। गैस की फ्लेम अभी हमने मीडियम रखी है, इसे तुरंत ना पलटें। तो देखिए नाश्ता हमारा कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम नाश्ते को पलट लेंगे। अगर पैन में थोड़ा सा स्पेस है तो इसमें और डाल दें। इसी तरह से हम पूरा अलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे क्रंची होने तक। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है बनने में। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे जिससे नाश्ता हमारा अच्छे से अंदर तक अच्छे से सिके। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। देखने में ही कितना शानदार लग रहा है। हम प्लेटिंग कर लेंगे इसकी। तो अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।